वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का जो कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसका पार्ट वन पहले आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से जाके वो देख लीजिए। लगभग 44 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, फिर भी हम इंपॉर्टेंट लिए हैं, ठीक है। आज उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो जो है क्या कहते हैं, PMSSB जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं और जो एग्जाम देगा उसके लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि उसको जो पूछेगा वो दसवां का ही पूछने वाला है सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, वो भी पूरा देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं साइंस का, सोशल साइंस का, आप जाके सारा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आपके पास एक महीना का टाइम है अभी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन तक जो है पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया हुआ, इसमें 45 नंबर से स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रोपाइन CH3H4 में कौन समूह है, एल्किन, एल्काइन, कीटोन, एल्डिहाइड। सबसे पहले आप देख लीजिए, एल्केन होता है एक, एल्केन, ठीक है, एक होता है एल्कीन होता है, एक होता है एल्काइन, एल्काइन, ठीक है, एक मिनट, एल्काइन, ठीक है। क्या होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। तो एल्कीन का सबसे पहले देख लीजिए सूत्र, इसका सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का होता है CN, इसी में से दो घटा दिए H2n हो जाएगा, CnH2n, और एल्काइन में हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है। तो एल्केन का क्या हो गया CnH2n+2, एल्कीन का क्या हो गया CnH2n, ठीक है, एल्काइन का क्या हो गया CnH2n-2, ठीक है। एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये भी पूछेगा कि निम्न में से किसमें क्या कहते हैं, तीन आबंध या थर्ड बॉन्ड होता है, तीन बॉन्ड होता है, तो किसमें होता है, एल्काइन में होता है। एल्कीन में कितना, दो, एल्केन में एक बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें कहता है कि प्रोपाइन, लास्ट में क्या आया, इन आया है, तो इन इधर देखिए एल्काइन में है इन, तो ये किस समूह का हो गया, एल्काइन समूह का, ठीक है। तो प्रोपाइन किस समूह का हो गया, एल्काइन समूह का, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्काइन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, एल्काइन, यानी प्रोपाइन जो है एल्काइन समूह का, लास्ट में देखना, ठीक है, जिसमें मिलेगा वो उसी समूह का होगा। यहाँ तो प्रोपाइन में लास्ट में क्या है, इन है, तो एल्काइन में क्या है, इन है, तो ये एल्काइन समूह का सदस्य है, ठीक है। एल्किन का अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एल्किन का प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन, अगर क्या कहते हैं आपको एल्केन का पूछेगा तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छोटा कर लेते कट रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, इसके रासायनिक गुण समान होते हैं। ये बिल्कुल सही है, सजातीय श्रेणी के सदस्यों का जो रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है, समान होता है। इसके क्रियाशील समूह समान होते हैं, तो सजातीय श्रेणी के सदस्यों का जो क्रियाशील समूह होता है वो भी समान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी राइट है। सी में है कि इनके समपवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्या कहते हैं, आपको पूछेगा सजातीय श्रेणियों के सदस्यों के बीच कितना का अंतर होता है, तो CH2 का अंतर होता है, कितना का, CH2 का, ये याद रखिएगा, CH2 का अंतर होता है सजातीय श्रेणियों के बीच। जब तीन को सही हो गया तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या होगा, गलत होगा, तो इनके द्रव्यमानांक जो होता है समान नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी के सदस्यों का अनुसूत्र, समजातीय श्रेणी का अनुसूत्र कैसा होता है, समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो समजातीय श्रेणी का जो अनुसूत्र होता है वो भिन्न भिन्न होता है, कैसा होता है, भिन्न भिन्न, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भिन्न भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर एक यौगिक बनाता है जिसका नाम है आयनिक यौगिक हाइड्रोजन का, सहसंयोजक यौगिक हाइड्रोजन का, यहाँ हाइड्रोजन गलत है, यहाँ हाइड्रोजन ठीक कर लीजिएगा, हाइड्रोजन का विद्युत संयोजक यौगिक हाइड्रोजन का, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन के जो दोनों परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करके यौगिक बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सहसंयोजक यौगिक हाइड्रोजन का, क्या कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
49 नंबर है कि ब्यूटोन चतु कार्बन यौगिक किसका प्रक्रियात्मक समूह है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। तो ब्यूटोन, देखिए ब्यूटोन और कीटोन दोनों सेम आ रहा उच्चारण में, तो यह किसका हो जाएगा? कीटोन का हो जाएगा। ठीक है, इसका जो होता है क्या क्रियात्मक समूह वो देख लीजिए, इसका चिन्ह याद रखना, एक तीन चार बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे ओ एच किसी के आगे हम लगा रह जाएगा तो ये किस समूह का हो जाएगा? ये अल्कोहल समूह का हो जाएगा, अल्कोहल अल्कोहल समूह का हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये आपको ईथर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर सिंगल बॉन्ड सी एच ओ रहेगा लगा हुआ तो ये आपको क्या हो जाएगा? ये एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड हो गया। और एक कीटोन याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कीटोन का ये होता है ऐसे रहेगा, सी रहेगा सी और उसके साथ क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा, सी ओ रहेगा ऐसे, तो ये आपको क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा, कीटोन हो गया। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ एच रहेगा तो ये आपको क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल या अम्ल भी दिया रहता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ एच क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। सिंगल बॉन्ड ओ एच क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड इथर हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड सी एच ओ क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सी ओ कीटोन हो जाएगा, इतना चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ब्यूटोन किस समूह का हो गया? कीटोन समूह का। ठीक है, और ये सिंबल याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया। ठीक है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन शक्ति का प्रतिपादन और खंडन करने वाले क्रमशः कौन कौन थे? वर्जिलियस और वोहलर, कोल्बे और लंबाजे, वर्जिलियस और कोल्बे, इनमें से कोई नहीं। तो जीवन शक्ति का प्रतिपादन और खंडन करने वाला व्यक्ति कौन था? वर्जिलियस और वोहलर था। कौन था? वर्जिलियस और वोहलर। वर्जिलियस ही ने इसका खोज किया था 1815 में, इसमें भी ध्यान रखिएगा कब पूछेगा तो 1815 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्जिलियस और वोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणियों के सदस्यों का क्रियाशील मूलक समान होते हैं लेकिन दो निकटवर्ती सदस्यों के सूत्र में निम्न में से किसके बराबर अंतर होता है? CH2, C2H2, CH, इनमें से कोई नहीं। तो सजातीय श्रेणियों के क्रियाशील मूलक, ये लगातार अगर दो निकटवर्ती सदस्य रहेगा तो उसके बीच कितना का अंतर होगा? तो CH2 का अंतर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले ब्यूटेन का सूत्र देखिए क्या होता है। ब्यूटेन इसका सूत्र क्या हो गया? C4H10 होता है, C4H10 हो गया। उसके बाद पेंटेन का, इसके जस्ट बाद क्या होता है? पेंटेन। ब्यूटेन के बाद क्या होगा? पेंटेन ही होगा। इसका सूत्र क्या होता है? C5H12। तो अब इस दोनों का अंतर निकालते हैं तो देखिए कार्बन का अंतर कितना है? एक कार्बन का अंतर है। और हाइड्रोजन का देखिए तो यहाँ 10 हाइड्रोजन है, यहाँ 12 है, तो कितना का अंतर हो गया? H2 का। तो कितना का अंतर हो गया? CH2 का। इसका मतलब ये दोनों क्या है? सजातीय श्रेणी का सदस्य, ब्यूटेन और पेंटेन। इसके बाद हेक्सेन ले लीजिएगा तो हेक्सेन का सूत्र क्या होता है? C6H6 × 12 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो इसके और पेंटेन और हेक्सेन के बीच देखिए कितना अंतर, कार्बन का एक अंतर है और हाइड्रोजन का दो अंतर है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? सजातीय श्रेणी का सदस्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच कितना का अंतर है? CH2 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पेंटेन के समावयवियों की संख्या होती है, तीन चार हम आपको लिखा देते हैं उसका आप याद रखिएगा। ठीक है, एक ब्यूटेन का याद रखना है, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। ठीक है, इसके भी जो समावयवियों की संख्या होता है वो दो होता है। ठीक है, कितना होता है? दो। पेंटेन का याद रखिएगा, पेंटेन का C5H12। ठीक है, इसका सूत्र होता है, इसके भी जो होता है समावयवी वो कितना होता है? तीन होता है। और एक याद रखिए हेक्सेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हेक्सेन, इसका सूत्र क्या होता है? C6H12 और इसके बीच होता है पाँच, कितना होता है समावयवी? पाँच। तो ब्यूटेन के बीच कितना हो गया? दो। पेंटेन में कितना हो गया? तीन हो गया। और हेक्सेन में कितना हो गया? पाँच हो गया। यहाँ पूछ क्या रहा? पेंटेन पूछ रहा, तो पेंटेन में क्या हो जाएगा आपको? पेंटेन में तीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ना एक पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन के साथ जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते रहेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेनोन में कौन सा समूह है? यहाँ देखिए सीओ समूह है, सीओ अभी जस्ट बताया कि ऐसे रहेगा, सीओ जिसके साथ रहेगा वो क्या हो जाएगा? कीटोन का हो जाएगा। किसका लास्ट में क्या सीओ है तो ये किसका हो जाएगा? कीटोन का। अभी जस्ट बताया ना, सिंबल याद रखिएगा, लास्ट में सीओ लगा हुआ तो ये कीटोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कीटोन। अगर आपके लास्ट में अगर
क्या कहते हैं CHO लगा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपको एल्डिहाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। अगर आप यहाँ देखिए COOH रहेगा तो ये क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, COOH अगर रहेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, अगर OH रहेगा लास्ट में तो ये क्या हो जाएगा अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ के लास्ट में क्या है CO है तो क्या हो जाएगा कीटोन समूह का सदस्य हो जाएगा, ठीक है। अगर OH रहता तो किसका होता अल्कोहल का, CHO रहता तो किसका होता एल्डिहाइड का, COOH होता तो ये किसका होता क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल या अम्ल रहेगा, दोनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेन एवं ब्यूटेन युग्मों में कितने इकाई का अंतर है CH CH2 CH3 CH4। देखिए प्रोपेन में क्या है CH3H8 है, ठीक है, और ब्यूटेन में क्या है C8, ठीक है, और ब्यूटेन का क्या हो जाएगा C4 और H हो जाएगा 10। अंतर निकालिए, कार्बन का अंतर देखिए कितना, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, कार्बन का अंतर एक कार्बन का अंतर हो गया। हाइड्रोजन में देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन कितना 8 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 10 है, तो कितना का अंतर हो गया यानी H2 यानी दो हाइड्रोजन का अंतर हो गया। तो कितना का अंतर है प्रोपेन और ब्यूटेन में तो CH2 का अंतर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा समावयवी हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा CH2 का अंतर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अति संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए एल्केन, एल्केन का सूत्र हम क्या बताया अभी CnH2n+2, ठीक है। उसके बाद क्या बताए एल्कीन, एल्कीन का सूत्र हम क्या बताए CnH2n, ठीक है, और एल्काइन का क्या बताए एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2, ये क्या हो गया एल्काइन का, और हम क्या बोले एल्केन के बीच कौन बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, इसके एल्कीन के बीच डबल बॉन्ड और एल्काइन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये याद है। तो अब देखिए संतृप्त सिंगल बॉन्ड जिसमें रहेगा वो संतृप्त होगा, ठीक है, इसके अलावा जो रहेगा यानी एल्कीन रहेगा या एल्काइन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा असंतृप्त। तो एल्केन में क्या हो गया एल्केन, देखिए ये प्रोपेन है तो प्रोपेन क्या हो गया किस समूह का सदस्य है एल्केन समूह का सदस्य है, तो ये क्या हो जाएगा संतृप्त हो जाएगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो जाएगा वो संतृप्त, जिसमें डबल या ट्रिपल होगा वो क्या जो असंतृप्त। यहां सिंगल बॉन्ड किस में होता है एल्केन में होता है, प्रोपेन किस समूह का सदस्य है तो एल्केन का, तो ये क्या हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन, अभी जस्ट बताया संतृप्त कौन होगा जो एल्केन समूह का सदस्य होगा, तो एल्केन का सूत्र देखिए CnH2n+2 होता है, एल्केन का होता है। अब देखिए यहाँ 6 है तो 6 अगर कार्बन के पास रखते हैं तो C6 हो जाएगा, H यहाँ रखेंगे तो 6 × 12 + 14 हो जाना चाहिए, लेकिन C6H6 है लेकिन होना कितना चाहिए अगर ये संतृप्त होता तो ये होना चाहिए C6H14, ये नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, ठीक है, बी में क्या है सी कार्बन क्या आ गया 2 है तो 2 को यहाँ रखिए तो C2H कितना हो जाएगा 2 × 4 + 2 = 6 हो जाना चाहिए। अगर कार्बन हम क्या कहते हैं एल्केन समूह एल्केन में के सूत्र में अगर कार्बन का संख्या 2 रखते हैं n = 2 रखते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, इसका मतलब ये भी क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा को चेक करते हैं, तीसरा को चेक 2 चेक हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब तीसरा चेक करते हैं, तीसरा हम कार्बन के आगे क्या है 7, तो यहाँ एन के जगह बराबर 7 पुट कर दिए तो C7 हो गया, एच क्या हो जाएगा एच 7 × 14 + 2 = 16 हो जाएगा। तो अगर कार्बन की एन की संख्या अगर 7 रखते थे हाइड्रोजन कितना आ रहा है 16 आ रहा है, यहाँ 16 हाइड्रोजन नहीं है 12, इसका मतलब ये भी नहीं होगा संतृप्त, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, डी में देखिए कार्बन कितना है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा C4 हो जाएगा, ये तो ठीक है। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं, 4 यहाँ रखेंगे 4 × 8 + 10 तो हाइड्रोजन कितना आ गया 10, तो जब कार्बन एन की जगह 4 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यहाँ भी ऑप्शन में भी दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा संतृप्त हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये CnH2n+2 के फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, आप अगर लाइक करते हैं कॉमेंट करते हैं तो हमको और ज़्यादा वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, इसके लिए आपका लाइक बहुत ज़रूरी है और सब्सक्रिप्शन।
57 नंबर क्वेश्चन है कि पेंटेन से उत्पन्न अल्कोहल का आणविक सूत्र। अभी हम जस्ट बताएं अल्कोहल में क्या होगा, OH है, तो OH ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में है, तो इसका मतलब हमको चेक करना पड़ेगा। पेंटेन का मतलब क्या होता है, पेंटेन का मतलब होता है 5, होता है ना। और अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, आपको हम बताएं अल्कोहल का फार्मूला जो होता है CnH2n+1, इसके आगे OH लगा रहेगा, ठीक है। तो पेंटेन का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया, तो N का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पुट कीजिएगा तो C5 हो जाएगा और H 5 × 10 + 11 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 11, इसके आगे OH लगा रहेगा, इसका मतलब पेंटेन का सूत्र क्या हो गया C5H11OH, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है इसका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप हमको बताइएगा कि अल्कोहल का जो क्या कहते हैं इसके साथ आप क्या हम कहते हैं ऑक्टा को ले लेते हैं, ऑक्टेन को, ऑक्टेन से जो उत्पन्न होता है अल्कोहल आणविक उसका सूत्र बताइएगा, ठीक है, कि क्या बताइएगा ऑक्टेन से उत्पन्न अल्कोहल का आणविक सूत्र, ठीक है। जैसे हम निकाले पेंटेन का वैसे आप क्या कहते हैं अल्कोहल का निकाल के आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है, देखते हैं कौन सा जवाब देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है कि एथाइन का रासायनिक सूत्र है, एथाइन का रासायनिक सूत्र होता है, एथ का मतलब क्या हो गया, एथ का मतलब दो होता है, आइन मतलब ये किस समूह का सदस्य हो गया, एल्काइन, देखिए एल्काइन, यहाँ एथाइन है, यहाँ क्या है एल्काइन है, इसका मतलब ये किस समूह का सदस्य हो गया, एल्काइन समूह का सदस्य, और एल्काइन समूह के सदस्य का सूत्र क्या होता है CnH2n-2, ये होता है एल्काइन समूह का सदस्य। तो एथ का मतलब क्या हो गया, दो हो गया, तब एन के जगह दो पुट कर दीजिए, आपको फार्मूला मिल जाएगा, तो दो पुट करेंगे तो C2 हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा 2 × 4 − 2, तो C2H2 हो गया किसका, एथाइन का फार्मूला। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है C2H2, रटिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा, ठीक है, ये समझ लीजिए फार्मूला याद कर लीजिए। और एथ होता है, देखिए मैथ का मतलब एक हो गया, एथ का मतलब दो हो गया, प्रोप का मतलब क्या हो गया 3, ब्यूट का मतलब हो गया 4, पेंटा का मतलब हो गया 5, हेक्सा का मतलब हो गया 6, हेप्ट का मतलब हो गया 7, ऑक्टा का मतलब क्या हो गया 8, इतना याद कर लीजिएगा, उसी तरह आप पुट कर जाए, जैसे एथ लगा हुआ इसका मतलब हम समझ गए कि इसका क्या पुट करना, एन बराबर 2 पुट करना, कहीं आपको प्रोप जैसे प्रोपाइन रहेगा, प्रोपाइन प्रोपाइन, तो प्रोप आइन है, इन है, इसका मतलब क्या एल्काइन समूह का सदस्य, ये क्लियर हो गया। इसके पीछे क्या है प्रोप है, प्रोप का मतलब क्या होता है, प्रोप का मतलब 3 होता है, तो हमको एन बराबर 3 पुट करना है, ठीक है, समझ गए, आप निकालिएगा घर पे अपने मन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी है। अभी जस्ट बताया कि ब्यूटेन एक होता है, ब्यूटेन का याद रखना आपको, ब्यूटेन का क्या सूत्र होता है C4H10, देखिए अभी आप बताओ ब्यूट का मतलब क्या होता है, ब्यूट का मतलब 4 होता है, ठीक है, तो इसी तरह यहाँ देखिए C4 आ गया ना, ब्यूट का मतलब 4, तो यहाँ C4 आ गया, उसको फार्मूला पे ब्यूटेन किस समूह का सदस्य है, एल्केन समूह का सदस्य है, तो ये किस फार्मूला पे बैठेगा CnH2n+2 पे बैठेगा, ठीक है, बैठा के देखिएगा आपको निकल जाएगा। उसके बाद आपको इसमें कितना बॉन्ड होता है, सॉरी समावयवी होता है, तो इसमें होता है 2 समावयवी, किसमें, ब्यूटेन में होता है 2। उसके बाद आपको पेंटेन याद रखना है, पेंटेन, पेंटेन का सूत्र होता है C5H12, पेंटा का देखिए पेंटा का मतलब 5 हो गया, यहाँ C5 आ गया, तो पेंटा में होता है 3, ठीक है। एक और याद रखना आपको हेक्सेन, हेक्सेन इसका सूत्र होता है C6H14, ठीक है, हेक्सेन में कितना होता है 5 समावयवी होता है, तो यहाँ पूछ क्या रहा है, ब्यूटेन का पूछ रहा है, तो ब्यूटेन में कितना होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी 2, ब्यूटेन में कितना हो जाएगा 2, पेंटेन में कितना हो जाएगा 3, हेक्सेन में कितना हो जाएगा 5, इतना याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है कि मेथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य है, समजातीय, बहुलीकरण श्रेणी, अभिजातीय श्रेणी, संघनन समूह, तो मेथेन के बाद क्या होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ये लगातार है, किस समूह का सदस्य है, एल्केन समूह का सदस्य। अभी जस्ट हम डिस्कस किए कि एल्केन समूह के सदस्यों में जो लगातार बना रहेगा तो उसमें क्या होगा, वो सजातीय श्रेणी का सदस्य होगा, ठीक है, निकाल के बताए ही, अब क्या फिर से बताएं, चलिए बता देते हैं, जैसे मेथेन का देखिए, मीथेन, मीथेन का क्या हो जाएगा CH4, क्या हो जाएगा CH4, उसके बाद क्या है एथेन है, एथेन का क्या हो जाएगा आपको C2H6, और उसके बाद क्या है दिया हुआ प्रोपेन, प्रोपेन का प्रोप का मतलब क्या होता है 3, तो प्रोपेन का सूत्र क्या हो जाएगा प्रोपेन, C की जगह क्या है C3 आ जाएगा और H क्या हो जाएगा 3 × 6 = 8, CH3H8 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हुआ प्रोपेन। अब देखिए मीथेन और एथेन में हम देखते हैं क्या, इसमें इसमें कंपैरिजन करना, किसमें किसमें, एक मिनट,
इसमें इसमें करना। तो देखिए इस दोनों में कार्बन यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो कार्बन का कितना अंतर आया, एक का अंतर आया। यहाँ हाइड्रोजन देखिए चार है, यहाँ छः है, तो यहाँ कितना है, हाइड्रोजन दो, यानी सी एच टू का अंतर आया। उसी तरह एथेन और प्रोपेन में चेक कीजिएगा, तो यहाँ दो कार्बन है और प्रोपेन में कितना, तीन कार्बन, तो एक कार्बन का अंतर आया। और हाइड्रोजन का चेक करेंगे, यहाँ छः है, यहाँ आठ है, तो कितना का अंतर आया, दो, यानी सी एच टू का अंतर आया। इसका मतलब ये किस श्रेणी का समूह है, समजातीय श्रेणी का सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 नंबर है कि अभिक्रियाशील समूह COH वाले यौगिक कहलाते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। तभी से तो कितना बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद हो गया होगा COH किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। अल्कोहल का क्या होता है, अल्कोहल का होता है OH, क्या होता है OH रहेगा, तो अल्कोहल हो जाएगा। एल्डिहाइड का क्या होगा, सिंगल बॉन्ड COH, सॉरी CHO रहेगा, तो क्या हो जाएगा CHO, ये हो जाएगा एल्डिहाइड का, ठीक है। कीटोन का क्या हो जाएगा, कीटोन का ऐसे रहेगा आपको, ठीक है, CO, ये कीटोन का हो जाएगा। इतना ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपीन कौन समूह है, प्रोपीन, देखिए प्रोपीन, एल्कीन, तो ये किस समूह का सदस्य हो गया, एल्कीन समूह का सदस्य हो गया, किसका हो गया, एल्कीन का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्कीन समूह का। देखिए एल्कीन, कीन आया, पीन आया, इन आया ना लास्ट में, ऐसे ही देखना, पीन कीन, तो लास्ट में क्या आया, इन आया, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन समूह का सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉल CH3CH5CHO में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। तो यहाँ देखिए CHO लगा हुआ, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं एक क्वेश्चन पहले कि अगर किसी के आगे CHO रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर किसी के आगे OH लगा रहेगा तो वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। अगर CO लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। अगर COOH लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा हुआ, CHO, तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह, क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, रटना नहीं है, एक बार समझ लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रि आबंध होते हैं वे कहलाते हैं, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन। तो एल्केन के बीच हम क्या बताए थे, एल्केन में आपको क्या कहते हैं, क्या होगा, सिंगल आबंध होगा, यानी सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। एल्काइन, एल्काइन में आपको हम बताएं कि इसमें तीन आबंध होगा, क्या होगा, तीन बॉन्ड होगा, तो इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। एल्कीन में कितना आबंध, दो आबंध होता है, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ क्या रहा, आबंध यानी तीन आबंध किसमें होता है, एल्काइन में होता है, ठीक है। अगर एल्केन में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, एक, एल्कीन में पूछेगा अगर तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। तीनों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व है, 4A 4B, क्या कहते हैं, 7A, सेकेंड ए। तो कार्बन किस समूह का सदस्य है, ये 4A का है, याद रखना 4A का, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना है यहाँ पे, क्या परमाणु क्रमांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं, कार्बन से शुरू करते हैं, कार्बन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कार्बन का हो जाता है 6, उसके बाद नाइट्रोजन याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन का हो जाएगा 7, ऑक्सीजन का हो जाएगा आपको कितना, 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 हो गया। सोडियम का याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब जितना लिखा रहेंगे याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारा तो नहीं लिखा रहे हैं, बीच बीच में छोड़ दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा रहे हैं। तो सोडियम का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मैग्नीशियम का अगर आपसे पूछेगा तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 12, ठीक है। अल्मोनियम का क्या होता है, Al होता है अल्मोनियम, अल्मोनियम का कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। उसके बाद किसका याद रखना, सिलिकॉन का क्या हो जाएगा आपको, 14 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, इसके बाद दूसरे इसको काट के फिर से लिखाएंगे, कार्बन का क्या हो गया 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्मोनियम 13, सिलिकॉन 14। इतना याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दो और लिख लीजिए, जैसे फास्फोरस का हो जाएगा 15, सल्फर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सल्फर नोट करते जाइए कॉपी में, सल्फर का 16, उसके बाद किसका, क्लोरीन का याद रखना, क्लोरीन का हो जाएगा आपको 17, आर्गन का याद रखना, आर्गन हो जाएगा 18, ठीक है। और किसका याद रखना, पोटेशियम का हो जाएगा 19,
कैल्शियम Ca हो जाएगा 20, उसके बाद अभी 20 तक ही तो इतना हो गया, उसके बाद एक लोहा, लोहा का याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 26 हो जाएगा। कॉपर का याद रखना है, कॉपर हो जाएगा 29, और एक जिंक याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिंक हो जाएगा 30। तो क्या हो गया, फास्फोरस 15 हो गया, सल्फर 16 हो गया, क्लोरीन का याद रखना 17, आर्गन 18, पोटासियम 19, कैल्शियम 20, लोहा का कितना हो जाएगा Fe जिसका होता है संकेत 26 हो जाएगा, कॉपर का Cu 29 हो जाएगा, जिंक Zn क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इतना याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इतना, ठीक है। आपसे ऐसे पूछ देगा कि लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है, लोहा का शायद पूछा गया 2-3 बार, लोहा का कितना होता है 26 होता है, कॉपर का कितना होता है ये दे देगा ऑप्शन में, पूछेगा कितना होगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 66 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, इनमें से कोई भी। तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल किसका होता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम है, किसका है, फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल, एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं, इसमें मोबाइल से शूट करते हैं इसलिए लिखने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है, जो बोलते हैं आप नोट कर लीजिए, हमको लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए इस पर राइटिंग नहीं बनता। एथेनॉल का अगर, सॉरी, एथेनोइक अम्ल का अगर आपसे फार्मूला पूछेगा वो भी ध्यान रखिए, तो CH3COOH होता है, ठीक है। इसका फॉर्मिक अम्ल का अगर पूछेगा तो इसका होता है HCOOH, ठीक है, दोनों याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एसिटिक अम्ल किसका IUPAC नेम हो गया, एथेनोइक अम्ल का, और फॉर्मिक अम्ल किसका हो गया, मेथेनोइक अम्ल का, दोनों ध्यान में रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से है, संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो ऑक्जेलिक अम्ल किसका, किससे में मिलता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, किसमें होता है, टमाटर में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टमाटर। दो चार और याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे संतरा, संतरा यहाँ लिखा हो, संतरा का क्या हो जाता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सिरका, तो सिरका में क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। इमली में क्या हो जाएगा, टॉर्टरिक अम्ल, टॉर्टरिक अम्ल, ठीक है। एक और याद रखना आपको चीटी, 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 चीटी में आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक, चीटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, चीटी जो आपको काटता है तो उसमें क्या निकलता है, फॉर्मिक अम्ल निकलता है। संतरा में क्या हो गया, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किसमें हो गया, सिरका में, इमली में क्या हो गया, टॉर्टरिक अम्ल, और चीटी के डंक में क्या हो गया, फॉर्मिक अम्ल, और टमाटर में क्या हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल। इतना याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कॉमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि अमाशय, अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो एथेनॉल का किया जाता है, किसका, एथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है कि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, CO2 गैस, CO गैस, H2 गैस, इनमें से कोई नहीं। एथेनोइक अम्ल जो है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों में से किसी से अगर अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है, तो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए यानी पीने के लिए उपयुक्त है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल। तो पीने के लिए कौन सा उपयुक्त होता है, तो एथेनॉल होता है, कौन होता है, एथेनॉल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कमरे के ताप पर द्रव है, मेथेन, एथेन, एथाइल, एथेनॉल। तो कमरे के ताप पे कौन द्रव है, एथेनॉल है, इसको ही क्या करते हैं, हम पीते हैं, ठीक है, अल्कोहल में ये पीने योग्य होता है एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ये सब क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो अल्कोहल मान लेते CH3OH, ये भी क्या है, अल्कोहल है, यहाँ कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन नाइट्रोजन जो है यहाँ मौजूद नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्कोहल में क्या नहीं होता, तो नाइट्रोजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
73 नंबर क्वेश्चन है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र होता है OHCHO COHCO। तो एथेनॉल में देखिए नॉल है यानी इसका क्या हो गया अल्कोहल समूह का ये क्रियाशील मूलक क्या होता है वही होगा एथेनॉल का। तो अल्कोहल समूह का क्या होता है OH होता है तो इसका एथेनॉल का क्या हो जाएगा OH होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और CHO हो जाएगा तो ये किसका हो जाएगा एल्डिहाइड का हो जाएगा। COOH अगर आपसे पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा। अगर CO पूछेगा तो ये किसका हो जाएगा कीटोन का हो जाएगा। इतना याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितना ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ये याद करना आपके लिए। 74 नंबर है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक CH4 CH3CO CH3 NH2 सिंगल बॉन्ड CO NH2 CH3COH। तो प्रयोगशाला में जो संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है वो आपको हम बताए थे यूरिया है ठीक है। क्या है यूरिया तो यूरिया का ही सूत्र ये होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा NH2CO NH2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि CH3CH2OH और CH3O CH3 किस प्रकार का समावयवी है स्थान समावयवी क्रियाशील समावयवी श्रृंखला समावयवी या सममूलक। तो ये जो है क्या है क्रियाशील समावयवी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। तो 75 क्वेश्चन डिस्कस किए काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का 75 क्वेश्चन ठीक है। लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।